जियोग्राफी 20 न्यूज। थाना रामपुर में निहारन पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में ट्रॉली चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक साथ ही ट्रॉली चोर गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। थाना रामपुर में निहारन पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक साथ ही ट्रॉली चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2 ट्रॉली, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर व अवैध असला कारतूस बरामद हुआ। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज ने बताया कि मैं अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर घरों के बाहर व रास्ते में खुले स्थान पर खड़ी ट्रॉली की रैकी कर मौका मिलने पर उन्हें चोरी कर लेते थे। जनवरी में हम तीनों ने ग्राम हरडेकी से घेर में खड़ी एक ट्रॉली को अपने ट्रैक्टर में लगाकर चोरी कर ली थी तथा 15 दिन बाद गांव नंदपुर से एक ट्रॉली चोरी की थी। आज हम तीनों इन दोनों ट्रॉलियों को बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया व मेरे 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। जी हाँ, ये जो बीते जनवरी की बात है, अभी जो जनवरी निकला है उसमें ये गैंग काफ़ी एक्टिव रहा था। इसने रामपुर मनिहारन में, गांव हड्डेकी में और नागल में जनवरी माह में ही 2 ट्रॉलियाँ चोरी की थी। इसमें जब हमने पता किया था सर्वेलेंस के माध्यम से, तो हमारे पास कुछ नंबर निकल के आए थे और हम इनको तलाश रहे थे। इसमें जो मुख्य हमारा अभियुक्त है वो फिरोज़ है। ये फिरोज़ गांव सावंतखेड़ी थाना बड़गांव का रहने वाला है और इसका जो भाई है इमरोज़, ये भी इसके साथ था ट्रॉली चोरी में, और इन्हीं के गांव का रहने वाला है प्रवीण। प्रवीण का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इन तीनों ने मिलकर जो फिरोज़ का ट्रैक्टर है उसी के सहारे इन्होंने दोनों ट्रॉली चोरी करी। कल जब हमें मुखबिर की सूचना पर हमें ये अंदेशा था कि ये एक जगह से पास होने वाले हैं, तो इनको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनको गिरफ्तार किया। इसी मुख्य अभियुक्त इसमें फिरोज़ पकड़ा गया है। फिरोज़ की ही निशानदेही पे दोनों जो चोरी हुई ट्रॉली हैं वो बरामद की गई हैं, और जो उसका ट्रैक्टर है जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो बरामद कर लिया गया है। तो बाकी अभियुक्त कहाँ के हैं और ये रेकी किस तरह करते थे और किस तरीके से ये चोरी करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों ही अभियुक्त जो हैं हमारे एक ही गाँव के हैं, सावंतखेड़ी गाँव है थाना बड़गांव में। और रेकी का इनका तरीका यही रहता था कि ये गाँव में जाते थे, ये पता करते थे कि वहाँ पर कोई ऐसा ट्रॉली का मालिक हो जो अपने घर से दूर और जहाँ पर रिहाइश इलाका है उससे दूर किसी अकेले प्लॉट पे या जंगल में जो अपनी ट्रॉली खड़ी करता है, ये उसको टारगेट किया करते थे। जी हाँ, फिरोज़ का 5 से 6 मुकदमे हैं फिरोज़ पर। उसने सबसे पहला मुकदमा जो था इस पर, इसने गाड़ी चोरी करी थी, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लेके घूम रहा था। उसके बाद इस पर गौकशी के मुकदमे, और गौकशी के मुकदमे के फलस्वरूप इस पर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें ये जेल जा चुका है। इसमें जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि फिरोज़ जो मजदूरी कर रहा था ईंट भट्टों पर, तो वो ये ट्रॉली इस्तेमाल करता था उसी मजदूरी पे, और उसके बाद वहाँ पे जब कोई व्यापारी उसको मिलता था जो उसकी ट्रॉली को लेने में इच्छुक हो तो इसको बेच दिया करता था। ये अब जो पूछताछ पता चला तो इन्होंने नागल और हमारे रामपुर मनिहारन की उनकी तो कबूल ही। उसके बाद इसने बताया था कि 2 से 2.5 साल पहले इसने उत्तराखंड में ऐसे काम किया है जिसकी ट्रॉली मुख्य रूप से यमुनानगर बेचा करता था।